मुझे पता है मैंने 5-6 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाली इस चैनल पे। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने कमेंट रिपोर्ट डाल दी थी कि मेरी मम्मी बीमार हैं एंड मैं कुछ दिन शायद गेम ना खेलूं। एंड आज मैंने खेला, थोड़ा सा खेला एंड वही गेम प्ले आपको दिखाऊंगा। एंड आज की वीडियो में आपको मैं 2 गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, दोनों ही कमाल के गेम प्ले हैं एंड हम एस से ऊपर पहुँच चुके हैं, मतलब कि जल्दी कॉनकर हमारा होने वाला है। एंड आज है हमारा रैंक पुशिंग का 25वां दिन एंड आज वाले गेम में गलत ही सीन होता है। यहाँ पर देखो एक बंदा उतर रहा है एंड आज मैंने 2 से 3 गेम खेले होंगे एंड 2 से 3 गेम में ही जो सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, बोलते हैं भाई तुम वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बंदा है जिसको शॉटगन मिल चुकी है शायद गोल्ड कलर की, एंड इधर से एक बंदा और आया जिसे मैंने हेडशॉट मारा शॉटगन का एंड वो मर गया एंड 1 किल हमें यहाँ पर मिल गया। अब मुझे ये नहीं पता था जो साथ वाले घर में मेरे बंदा है उसके पास कौन कौन सी गन है, क्योंकि शॉटगन तो उसने मेरे सामने उठाई थी। अगर मैं क्लोज में जाऊँगा, अगर उसने गलती से मार दिया तो मेरा काम तमाम है। तभी मुझे नीचे से भी साउंड आता है एंड घर के अंदर से भी साउंड आता है, तो मैं सोचता हूँ पहले नीचे वाले को मार देता हूँ। तो नीचे वाला जो था वो उस वाले घर में घुसा जो ब्लू कलर का कोने में है एंड जैसे ये निकलता है मैं इसे मार देता हूँ। एंड इस वाले को मारने के बाद ये बंदा मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था जो अंदर था घर के। अब इस बंदे से हमारी एंड तक फाइट चलती है। अब इसे मैं घुस के क्यों नहीं मार रहा था जबकि मेरे पास ऑटो गन थी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्लोज में अगर वो मुझे शॉटगन चिपका देता, मेरे पास ना वेस्ट है ना, और हेलमेट भी है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर वो हेडशॉट मारेगा, शॉटगन का हेडशॉट आपको पता है सीधा किल कर देगा वो। अब यहाँ पर मैं इसी डर से पुश नहीं करता हूँ एंड जब भी आप कॉनकर पुश कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा ठीक है, क्योंकि उसके पास गोल्ड कलर की स्किन है, मतलब कि बंदा खेलने वाला बंदा है और वो भी पुश कर रहा है ना। अब यहाँ पर वो पिस्टल से एक बोट को मारता है एंड जैसे वो बोट को मारता है मैं उसका नाम देख लेता हूँ एंड देखने के बाद मैं फिर से पुश करने की कोशिश करता हूँ। फिर से मैं डर के पीछे हो जाता हूँ कि भाई उसे पुश करने देता हूँ। जब भी आप कॉनकर पुश कर रहे हो तो आप पुश मत करो, ठीक है, सामने वाले बंदे को पुश करने दो, ऐसी सिचुएशन बना दो। अब मुझे पता था जोन में वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 4 मिनट के अंदर अंदर जोन निकलने वाला है एंड 4 मिनट के बाद उसे आना ही पड़ेगा, है ना। एंड सोलो के अंदर आप सभी को पता होगा जोन काफी गंदा काटता है, पहले जोन के अंदर भी आप मर जाओगे अगर आप जोन से बाहर हो, तो यही मैं फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर मैं इस वाली लोकेशन पर आता हूँ एंड यहाँ पर बंदा देखने की कोशिश करता हूँ बट मुझे कोई भी नहीं दिखता। अब यहाँ पर काफ़ी देर तक मैं उस बंदे का वेट करता हूँ बट वो नीचे नहीं आता एंड तभी मुझे दूर एक बंदा दिखता है। अब यहाँ पर जैसे ही इसे मैं मारता हूँ तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है उधर से। एंड तभी यहाँ पर मुझे 2 फ्री के किल मिल जाते हैं एंड यहाँ पर टोटल मेरे 4 किल हो गए थे। एंड यहाँ पर जो सेल था वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, मतलब कि मैं ऊपर जा सकता था, एक्टिवेट हो चुका था सेल। अब मैं सोचता हूँ कि यार देखो मैं बोट फायरिंग करता हूँ, क्या पता वो नीचे आ जाए, उसे लगे मैं किसी को मार रहा हूँ, है ना, मेरे पास गोलियाँ खत्म हो गई है। बट वो बंदा भी काफ़ी चलाक था, देखो देख रहे हो। अब वो भी मेरे पे पुश नहीं करना चाहता था, मैं भी उस पे पुश नहीं करना चाहता था बट मैं इसे मारता कैसे हूँ वो आपको दिखाता हूँ। सीधा उसी टाइम पे चलते हैं जहाँ पर मैंने इसे मारा था। अब यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर जो सेल था वो डिसमेंटल होने वाला था, उसके बाद कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, तो मुझे ये पता था कि मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर ही इसको मारना होगा क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। अगर मैच में कोई हैकर होगा नहीं तो वो मुझे मार देगा। तभी मुझे यहाँ पर उसका साउंड आता है कि वो इस तरफ है और मैं भाई बिना देखे पुश कर देता हूँ एंड पुश करने के बाद इजीली इसे मार भी देते हैं। अब इसके बाद शॉटगन ही थी बट अगर इसकी शॉटगन मुझे कनेक्ट हो जाती तो आप सभी को पता है शॉटगन कभी कभी तो जान ले लेती है, कभी कभी तो बच जाता है बंदा, बट यहाँ पर मैं बच जाता हूँ, मुझे शॉटगन लगती भी नहीं है और यहाँ पर मैं ऊपर चला जाता हूँ एंड उसके बाद आगे क्या करते हैं वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर तो मैं गया था बट ऊपर मैं कुछ भी पॉइंट अर्न नहीं कर पाया, लास्ट मोमेंट पर पहुँचा था, है ना, तो मैंने कुछ पॉइंट भी नहीं अर्न किए और मेरे पास गन में एमओ वगैरह भी नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पर पानी के बीच में इन्होंने मुझे गिरा दिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ पानी के बीच में ही उतर जाता हूँ, क्योंकि उधर की साइड आप देखोगे एक पैराशूट वाला आपको दिखेगा जो कि उधर की तरफ जा रहा है। अगर मैं उधर जाऊँगा तो उससे अगर मेरी फाइट होती है तो भी मैं मरूंगा, है ना, सामने जाता हूँ सामने घर है वहाँ पर बंदे हुए तो भी मैं मरूंगा, तो यहाँ पर मैं पानी में ही रहता हूँ एंड मैं जोन बनने का वेट करता हूँ। जिधर जोन बनेगा उस हिसाब से निकलेंगे। आप देख सकते हो मेरे पास एक शॉटगन है और एक स्कारल है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इधर उधर जाने का। फिर भी हम ये वाला मैच चिकन डिनर करेंगे
लगेंगे और भाई कैसे चिकन निकालता हूँ वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर मैं 4-5 मिनट से यहीं पर था और जोन मेरे ऊपर ही बन गया था, नेक्स्ट जोन भी। अब इसके बाद वाला जोन बनने वाला था तो मैं आपको दिखाता हूँ अगला जोन कहाँ बनता है। तो आप देख सकते हैं जोन मेरे बिल्कुल आगे बना है, तो मैं तैर के जा सकता हूँ, बट रिस्क है अगर ब्रिज पे कोई होगा या फिर आसपास से कोई अगर मुझे तैरते हुए देख लेता है तो वो मुझे मार सकता है, बट यहाँ पर मुझे रिस्क लेना पड़ता है। 1.5 मिनट के अंदर अंदर मुझे जोन में पहुँचना है और जोन में 250 मीटर आगे जाना है बस। तो 250 मीटर जाना 1.5 मिनट के अंदर इतना मुश्किल काम नहीं है, बट मुश्किल काम ये है मुझे छुप छुप के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ी देर के लिए ऊपर आता हूँ फिर नीचे चला जाता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर आता हूँ फिर नीचे चला जाता हूँ। इसी तरीके से मैं जोन में पहुँच जाता हूँ एंड उसके बाद क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं जोन में तो पहुँच गया था, अब जोन के अंदर जाना बड़ी बात थी क्योंकि अगर मैं अभी अंदर चले जाता हूँ तो अगर तो कोई आगे लेटा हुआ या फिर इधर उधर कैम कर रहा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, तभी मुझे एक गाड़ी दिखती है जो कि भाई उड़ती उड़ती आ रही थी एंड मैं जोन के बाहर ही था अभी भी। और यहाँ पर देखो ये बंदा क्या गलती करता है, और ये बंदा भाई हवा में ही कूद जाता है और इसका एम जब तक मेरे ऊपर ये बना पाता तब तक मैं इसे मार देता हूँ। एंड यहाँ पर टोटल 3 बंदे बचे थे। अब मुझे ये भी नहीं पता था बंदा कहाँ हो सकता है, मुझे एक टाइम पे लग रहा था ऊपर की साइड बंदा ना हो, एक टाइम पे लग रहा था पीछे की साइड बंदा ना हो, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पेटी लूटता हूँ एंड सबसे पहले गन्स उठा लेता हूँ, तभी यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को मार देता है। अब टोटल 2 बंदे बचे थे एंड दूसरे बंदे की लोकेशन भी मुझे पता थी। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, वो अपना सब्सक्राइबर निकलता है। अब यहाँ पर जैसे मुझे हल्का सा साउंड आता है ना कि मेरे आसपास ही है वो बंदा, तो यहाँ पर मैं कवर में जाने की कोशिश करता हूँ एंड जैसे ही मैं कवर में जाता हूँ और वो बंदा कूदते कूदते आ जाता है अपने पास। तो यहाँ पर देखो फिर हम इसके साथ कैसे फाइट करते हैं। अब मैं सोचता हूँ पहले पुश कर दूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तभी मुझे साउंड आ जाता है बंदे का एंड तभी मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ आके। एंड जैसे ही मैं ऊपर नीचे देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे बंदा दिखे तो हम उसे मारें, तब तक मुझे पता चलता है कि भाई मेरी दूसरी गन जो है वो रीलोड ही नहीं है। तभी मैं इस गन को रीलोड करता हूँ एंड तभी मुझे कूदने का साउंड आता है। एंड जैसे ही मैं इसे कूदते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो देखते क्या बोल रहा है बंदा। तो यहाँ पर मैं इसके पास जाता हूँ एंड इससे थोड़ी सी बातें करते हैं एंड ये बंदा बोलता है कि भाई तुम चिकन डिनर ले लो, मुझे चिकन डिनर की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक हम बातचीत करते हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि कब से वीडियोस देख रहे हो, उसके बाद ये देखो क्या बोलता है। आप देख लो, आप बता दो आपको, आप चिकन ले लो, आप पुश कर रहे हो तो रैंक पुश कर रहे हो तो तो मैं इसे थैंक यू बोलता हूँ कि भाई चिकन दे रहा है क्योंकि चिकन लेने पे प्लस ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर चिकन ले लेते हम एंड इस मैच के बाद हमारा 21 प्लस होता है और सीधा हम एस के आगे पहुँच जाते हैं। एंड इसके बाद अभी नेक्स्ट मैच देखो, नेक्स्ट मैच भी हमारा काफ़ी अच्छा था, उस वाले मैच में क्या सीन होता है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारा नेक्स्ट मैच एंड इस वाले मैच में भाई क्या सीन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक बंदा हमारे साथ कूद रहा है एंड यहाँ पर ये भी अपना ही सब्सक्राइबर निकलता है क्योंकि सबको पता चल गया आजकल मेरी न्यू लोकेशन ये बन चुकी है एंड यहाँ पर ही मैं कूद रहा हूँ ज़्यादातर। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कूदता हूँ यहाँ पर मैं गन ढूंढने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था साथ वाले घर में बंदा है। तो यहाँ पर मुझे पिस्टल मिलती है एंड मैं देखने की कोशिश करता हूँ अपने आसपास कोई है तो नहीं, इसके अलावा जिसका साउंड मुझे आ रहा है जो पिंक पैराशूट वाला था, इसको तो मैंने देख लिया था उतरते हुए, इसके अलावा और कोई तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट देखने की कोशिश करता हूँ आसपास, तभी मुझे यहाँ पर एक बोर्ड दिखता है एंड इस बोर्ड को मारते ही मेरा किल मैसेज आ जाता है यहाँ पर एंड तभी जो साथ वाले घर में बंदा उतरा था उसे पता चल जाता है मैं पारस हूँ, तभी वो कूदने लग जाता है एंड यहाँ पर वो मेरे पास आता है। एंड इस बंदे की वजह से 2 या 3 मैच पहले मैं मरा था क्योंकि ये बंदा मेरे साथ उस मैच में भी टीम अप कर रहा था। अभी देखना, अभी मेरा ऑल पे माइक नहीं है क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन बाद खेल रहा था, वैसे आपने देखा होगा मेरा माइक ऑल पे ही रहता है बट इस वाले मैच में मेरा माइक ऑल पे नहीं था। तो सबसे पहले मैं ऑल पे माइक करूंगा तो सुनना क्या बोलता है बंदा। तो यहाँ पर मुझे लगता है मेरा माइक ऑल पे है तो इस वजह से ना मैं सुन रहा था कि क्या बोल रहा है वो, बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं बोल रहा था भाई ये टीम अप भी कर रहा है, इसने मुझे गन भी दी बट ये बोल क्यों नहीं रहा है। तभी मुझे पता चलता है कि भाई मेरा जो माइक है वो ऑल पे है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं माइक ऑल पे करता हूँ। हेलो हेलो, अरे फिर आ गए, हेलो आवाज आ रही है। अरे
ओ सॉरी सॉरी, हाँ मैं ही था, मैं ही था, ये लो ये लो ये लो, तो मैं इससे पूछता हूँ, पिछले से पिछले मैच में तुम ही थे ना, तो ये कहता हाँ मैं ही था मैं ही मैं था। उस पे स्विच करा। अरे उसने, अरे जिसने तुमको मारा था ना, उसको मैंने मार दिया था। फिर वो हैकर लग रहा था भाई, उसको मिनी से ऐसे मार रहा है, वो क्लोज इन में घुस के। अब पिछले से पिछले मैच में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये बंदा आता है और ये कूदने लग जाता है, तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ, मुझे लगता है भाई कौनकर पुश कर रहा है तो अच्छा खेल रहा होगा। तो सामने ओपन में बंदा होता है जो कि अच्छा खेल रहा था, ठीक है, जिसे ये हैकर बोल रहा है वो अच्छा खेल रहा था, तो मैं इसको बोलता हूँ ना, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, तुम ऊपर से कवर देना, ठीक है। और ये बंदा बिल्कुल भी कवर नहीं देता और मैं इसी के भरोसे घुस जाता हूँ भाई ताकि उसे मार के मेरा हम क्या सेल में मेरा घुस जाएं ऐसा और ऊपर कभी चले जाएं, नहीं बट ये होगा, मुझे ये कवर नहीं मेरा देता और कभी मैं ओपन में घुस के मारने की कोशिश करता हूँ उसको बिना कवर के, तो यहाँ पर मैं गलती कर देता हूँ इस पर विश्वास करके, इसीलिए मैं मर जाता हूँ। ये अब मैं सोचा आपको तुमने एक कभी प्लेयर कि दिखाता हूँ, प्रो मैंने प्लेयर मेरे दिखाता भाई हूँ, मेरे बस आपको जज भाई करना है वो हैकर है या मेरे नहीं, ऐसा ठीक कभी है। नहीं मैंने अभी आप मारा, देखो, कभी मैं नहीं आपको ऐसा सीधा कभी वही नहीं। क्लिप दिखाता हूँ। सही अब बोल रहे यहाँ हो, पर मेरे पास गन वगैरह तो नहीं थी इतनी कुछ अच्छी, बट मुझे ये पता था कि मैं यहाँ पर ब्रिज कैम्प कर सकता हूँ क्योंकि सबको ब्रिज से ही जाना था और यहाँ पर 30 बंदे बचे थे, और मुझे ये भी पता था कि इस वाले मैच में हैकर है तो यहाँ पर आके मैं कैम्प कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आराम से लेटा हुआ था, मैंने गन वगैरह ऑर्डर कर ली थी जो मेरे पास पॉइंट वगैरह थे उससे, एंड तभी यहाँ पर मुझे ये पता था कि सामने की तरफ पहाड़ी पे एक बंदा है, ठीक है, जो पहाड़ी है ना छोटी वाली पहाड़ी लेफ्ट साइड में, तो वहां पर बंदा था। अब उसकी गाड़ी भी आपको दिख रही होगी ऑरेंज कलर की, ठीक है। अब यहाँ पर इस बंदे से मेरी 2 मिनट तक फाइट चलती है, ना ये मुझे मार पाता है ना मैं इसे मार पाता हूँ, वो मुझे हल्का सा डैमेज देता है बट मैं उसे डैमेज नहीं देता क्योंकि वो मुझे दिखता ही नहीं, मुझे एंगल अच्छा खासा नहीं मिलता। तभी यहाँ पर एक बग्गी आती है तो मैं इस वजह से इस पर फायर नहीं करता हूँ कि मुझे लगता है कि वो पहाड़ी वाला बंदा मेरे पे अगर स्कोप करके बैठा होगा तो वो मुझे मार सकता है। अब यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, जैसे ही मुझे बग्गी दिखती है मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, अगर रुकेगा तो मार देंगे। और ये बंदा रुकता भी है और ये काफ़ी अच्छा खेल रहा था, तभी मुझे साउंड आता है कि एक बोट मेरे नीचे से गई, मतलब कि एक बंदा मेरे नीचे से जा चुका है। अब यहाँ पर मुझे एक टाइम पे लगता है जो सामने वाला बंदा था वो जा चुका है बोट लेके, बट वो नहीं जाता, अभी उसको हैकर आके मारेगा। एंड जिसको मैं हैकर बोल रहा हूँ वो मुझे हरकतों से ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। अब आप देखो, आप मेरी जगह होते तो शायद आप सीधा उस पर स्प्रे लेने की कोशिश करते, बट जिस हिसाब से मैंने उसे मारने की कोशिश की है वो देखना आप। अब यहाँ से आपको वो हैकर दिखेगा, वो देखो वो मुझे मार रहा है। अब मैं जैसे ही थोड़ा सा भी हिलता हूँ ना वो स्प्रे करने लग जाता है, इसी से मुझे कंफर्म हो गया था कि भाई ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैं जान जान के थोड़ा थोड़ा हिल रहा था ताकि वो मेरे पे स्प्रे करे। अब यहाँ पर मेरी जगह अगर कोई और होता ना वो इसे मारने की कोशिश करता जिस हिसाब से ये ओपन में खड़ा है, देखो देख रहे हो जितना हिल रहा हूँ उतना वो मारने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एंड इसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया, इसने मुझे जितना डैमेज दिया मैंने इससे उसको डबल ही डैमेज दिया होगा क्योंकि डीपी की 2-3 से ज़्यादा गोलियां उसे कनेक्ट हुई थी। तो यहाँ पर मुझे ये गड़बड़ इसीलिए लग रहा था, ये काफ़ी देर से बंदों को मार रहा था और 29 बंदे जब से बचे हैं ना तब से ज़्यादातर नाम इसी का आ रहा था, इसने पिंक कलर के कपड़े पहने थे आप ध्यान रखना, अभी यही मारेगा। कैसे मारेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे मुझे साउंड आया, अब आपको मैप में भी दिख रहा होगा, मिनी मैप में दिख रहा होगा कि कोई तो यहाँ पर है मेरे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई मेरा जो स्कोप है वो 3x है या नहीं, एंड मैं दूर देखने की कोशिश करता हूँ बट मुझे कोई भी नहीं दिखता। अब यहाँ पर सीन क्या होगा, यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि जोन यहाँ से बन जाता है आगे की तरफ, एंड यहाँ पर मुझे जोन में जाना होता है, एंड आगे क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। मुझे हैकर तो नहीं मारता बट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मैंने उसको पहले ही समझ लिया था कि ये कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, मारने की कोशिश की बट वो मरा नहीं। बट अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वो गड़बड़ है या नहीं है, ठीक है। चलते हैं सीधा वो वाली क्लिप पे। तो यहाँ पर मैं ब्रिज पे 2 मिनट तक वेट करता हूँ, उसके बाद मुझे जोन में जाना था, एंड जैसे मैं जोन में निकलता हूँ यहाँ पर ओपन में मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ जाऊँ, तभी मुझे यहाँ पर शैक पे एक शील्ड लगी हुई दिखती है, तो मैं सोचता हूँ चलो शील्ड वाले को मारता हूँ। एंड जैसे यहाँ पर मैं गाड़ी घुमाने की कोशिश करता हूँ पीछे से किसी ने मुझे मार दिया जो लेटा हुआ था, एंड इसको मारेगा वो हैकर। अब जैसे मैं स्पेक्टेड पे जाता हूँ यहाँ पर देखो, तो पहले मैं करता हूँ ना रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एंड जैसे मैं रिकॉर्डिंग बंद करके वापस आता हूँ देखता हूँ उस ड्रॉप वाले को, मतलब उस गिली सूट वाले को इसने मार दिया, और इसके किल देखो भाई साहब, इस बंदे के 21 किल हैं, और समझ में नहीं आता भाई ये बैन क्यों नहीं होते। बट अभी मैं सही बताऊँ तो भाई काफ़ी हद तक सुधर चुकी है गेम, देखो उतर के सीधा स्प्रे करने लग गया, और 20 की केडी है इस बंदे की और कौन कर में है।
तो मैंने बोला क्या ही स्पेक्टेड करूँ इसे, मतलब मैंने यहाँ पर एग्जिट किया और यहाँ पर आप देखोगे 8+ हुआ जबकि मेरे सिर्फ 2 किल थे, तो ठीक ठाक प्लस हुआ। और आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोशिश करूंगा कल से मैं रेगुलर वीडियो डालूं, एंड आप अपना प्यार बनाए रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।